हाय गाइस, इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म का एग्जाम क्वेश्चन। पहले मैं थोड़े बेसिक्स बताऊंगी, उसके बाद हम सम सॉल्व करेंगे। ये जो सम है वो मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी के मई 2018 के पेपर से लिया है। ये सम 10 मार्क्स के लिए आया था। आप ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करिए क्योंकि ये बहुत बहुत सिंपल है और इसमें से आपको 5 या 10 मार्क्स मिल सकते हैं। तो अब कुछ बेसिक्स देखते हैं। लैपलास ट्रांसफॉर्म का सिग्निफिकेंस हम सबको पता है। ऐसे वाले सम्स में क्या करना है, आपको जो सर्किट दिया होगा उसमें से आपको हर एक कंपोनेंट को पहले फ्रीक्वेंसी डोमेन में लाना होगा। सर्किट टाइम डोमेन में होगा, उसको पहले फ्रीक्वेंसी डोमेन में लाओ। अब सोचो उसकी सर्किट में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। एक वोल्टेज सोर्स होता है या करंट सोर्स होगा, और रेजिस्टर या कैपेसिटर या इंडक्टर का कॉम्बिनेशन होगा। आपको तो पता है रेजिस्टर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में आर ही रहता है। कैपेसिटर हो जाता है 1/Cs और इंडक्टर हो जाता है Ls। ये हो गए 3 कंपोनेंट्स। अब बच जाता है सोर्स। तो सोर्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो हम एक एक करके सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे कि कैसे टाइप का सोर्स एग्जाम में आ सकता है। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि इफ़ वी ऑफ टी इज़ यूनिट स्टेप सिग्नल, तो आपको इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म लेना है। हमें पता है यू ऑफ टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1/S। सो वी जस्ट हैव टू ट्रांसफॉर्म अवर वोल्टेज सोर्स इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। ओके, अगर आपको 12 वोल्ट का सोर्स दिया है तो क्या आएगा आपका आंसर, वी ऑफ एस विल बी 12/S। जैसे इधर 1/S आया था वैसे ही इधर 12/S आएगा। अभी अगर आपको डिलेड सिग्नल दिया है, दिस इज यू ऑफ टी माइनस टू, यूनिट स्टेप सिग्नल है वो डिलेड है बाय 2 यूनिट्स। सो हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टर्म इंट्रोड्यूस होगा। सिर्फ आपको जो क्वांटिटी यहाँ दिख रही है वो यहाँ पे लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू माइनस 2s/s। नेक्स्ट एग्जांपल है रैंप फंक्शन का। अगर आपको सोर्स में रैंप फंक्शन दिया है तो उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म आपको पता है 1/s². अगर आपको डिलेड रैंप फंक्शन दिया है तो यही मेथड है, आप जो कोएफिशिएंट है वो वैसे का वैसा लिखो। ई रेस टू माइनस, यहाँ पे 1 है इसलिए वो -1 यहाँ पे आया और नीचे s². फिर अभी यहाँ पे है इम्पल्स फंक्शन, तो इम्पल्स फंक्शन का लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1। अगर आपको डिलेड इम्पल्स फंक्शन दिया है फिर भी वही मेथड होगी, ई रेस टू -3s, क्योंकि यहाँ पे -3 है और ये 2 कोएफिशिएंट है, तो इसका जो लैपलास ट्रांसफॉर्म होता है वो 1 होता है। सो नो नीड टू राइट 1, तो /1 मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। नाउ इफ वी ऑफ टी इज 5e to at, अब अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया है तो क्या करें। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, अगर इधर प्लस हो तो यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, अपोजिट। ओके, तो इफ यू हैव गिवन 5e to at देन यू राइट 5/s-a। ओके, और अगर 2e to -at जैसा कुछ दिया है तो आप लिखोगे 2/s+a। अब नेक्स्ट क्या है, साइन फंक्शन। साइन ए टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म हम सबको पता है, a/s² + a². ओके, और कॉस क्या क्या होता है, s/s² + a² तो वही किया है यहाँ पे। यहाँ पे a 25 है तो यहाँ पे 25 आया और यहाँ पे a² मतलब 25² आ गया। ओके, सिमिलरली आपको कॉस फंक्शन भी दे सकते हैं, cos 60 दिया तो आपको ऐसे लिखना है s/s² + 36। अभी आपको ऐसे भी दे सकते हैं कि वी ऑफ टी इज यूनिट पल्स वोल्टेज ऑफ यूनिट विड्थ, जो इनपुट वोल्टेज है वो एक पल्स के फॉर्मेट में है जिसका एम्पलीट्यूड 1 है और जिसकी विड्थ भी 1 है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे मैंने यू ऑफ टी ड्रॉ किया है। यू ऑफ टी इज नथिंग बट अ कॉन्स्टेंट वोल्टेज ऑफ मैग्नीट्यूड 1। अभी यहाँ पे वही फंक्शन मैंने डिलेड बाय 1 करके ड्रॉ किया है, मतलब क्या, यहाँ पे मैं एक यूनिट छोड़ के यू ऑफ टी ड्रॉ कर रही हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, -1, क्योंकि मेरा जो यू ऑफ टी फंक्शन है वो 1 के बाद स्टार्ट हो रहा है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ये बीच का पोर्शन चाहिए, राइट। तो मैं क्या करूँगी, इस वेव फॉर्म में से ये वेव फॉर्म सब्ट्रैक्ट करूँगी, माइनस करूँगी, तो क्या हो जाएगा कि ये जो पार्ट है, मतलब इतना जो पार्ट है वो कट हो जाएगा और इतना ही बचेगा। सो आर वोल्टेज इज नथिंग बट यू ऑफ टी माइनस यू ऑफ टी -1, तो हमें ये बीच वाला पार्ट मिल जाएगा। ओके, तो ये तो आ गया हमारा टाइम डोमेन में, हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो अब इसका हम लैपलास ट्रांसफॉर्म लेंगे, तो यू ऑफ टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s और यू ऑफ टी -1 इज ई रेस टू -s, क्योंकि यहाँ पे -1 है और नीचे s। ओके, तो अब हम सम देखते हैं। ये सम भी बहुत ईजी है। डिटरमाइन द करंट आई ऑफ टी व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड एट टी इक्वल टू 0 विथ 0 इनिशियल कंडीशंस। ओके, तो हमें आई ऑफ टी फाइंड करना है और स्विच कब क्लोज होगा, टी इक्वल टू 0 पे। अभी यहाँ पे सोर्स की वैल्यू दी है 2R(t-1), तो हम इजीली इसका अब लैपलास ट्रांसफॉर्म ले सकते हैं। रैंप है तो नीचे s² आएगा और डिलेड बाय 1 है तो
तो इधर माइनस वन है तो इधर माइनस एस लिख दो। ओके इजी। और कोएफिशिएंट वैसे का वैसा मैंने लिखा है। ओके मैं भी फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये सर्किट रीड्रॉ कर रही हूँ। अभी वी ऑफ एस तो हमने फाइंड कर लिया, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे लिखूंगी। फिर 5 का 5 ही रहेगा, 1 का s होगा मतलब 1s होगा, और 1/6 है तो क्या होगा, 1/1/6s। तो जो नीचे का 6 है वो ऊपर न्यूमरेटर में आएगा, तो हो जाएगा 6/s। अभी सिंपल है, यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा था वो i ऑफ t था। अभी हमने सर्किट फ्रीक्वेंसी डोमेन में ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो होगा i ऑफ s। तो हम पहले i ऑफ s निकालेंगे और फिर उसका इनवर्स लैपलास लेंगे, तो हमें i ऑफ t मिलेगा। ओके तो अभी मैं सिर्फ यहाँ पे KVL लगा रही हूँ। -2e-s² +5is+s(i)s एंड +6/s (i)s, बिकॉज दीज आर नथिंग बट इम्पिडेंसेस, सो वोल्टेज अक्रॉस देम विल बी इम्पिडेंस इंटू करंट। नाउ आई एम टेकिंग आई ऑफ एस कॉमन, देन 5 + 6 + 6 ऑफ एस विल बी इन ब्रैकेट। अभी ये जो टर्म है वो मैंने यहाँ पे राइट हैंड साइड पर लिया। ओके तो ये सिर्फ मैंने रीअरेंज करके यहाँ पे लिखा है। तो जो नीचे का एस था डिनोमिनेटर का, वो उधर जाके न्यूमरेटर में आएगा और इसके साथ कट हो जाएगा, तो इधर एक ही एस बचेगा। तो हमारा आई ऑफ एस आ गया 2e-s/(s²+5s+6). ओके तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ओपन कर सकती हूँ, s+3 और s+2 लिख सकती हूँ। अब हमें पार्शियल फ्रैक्शन से इसको सॉल्व करना है। मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर वाला पार्ट लिखा है, अभी यहाँ पे 3 टर्म्स है इसलिए a b c आएंगे। अभी आगे का बहुत ईजी है, अगर मुझे a की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगी, डिनोमिनेटर में a छोड़ के बाकी 2 टर्म्स लिखूंगी और s को इक्वेट करके जो s की वैल्यू आएगी वो मैं इसमें फिल करूंगी। ओके तो s विल बी 0 इन दिस केस, सो ये 0 0 आने के बाद ये हो जाएगा 3 × 2 = 6। ओके सिमिलरली मैं b के लिए वैसा ही करूंगी, b की टर्म छोड़ के मैं s और s+2 को मल्टीप्लाई करके लिखूंगी और ये 0 से इक्वेट करने के बाद s की वैल्यू क्या आएगी, -3, तो मैं -3 इसमें फिलअप करूंगी। सो -3 × -3 + 2, सो ये क्या आएगा, 1/3। अभी c के लिए मैंने वैसे ही किया है, s × s+3, और यहाँ पे s की वैल्यू क्या आएगी, -2। सो -2 यहाँ पे मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया ये इक्वेशन में और मेरा आंसर आ गया -1/2। ये जो था 2e-s, ये हमने यहाँ पे कंसिडर नहीं किया था, तो ये यहाँ पे कॉमन मैंने बाहर लिया है। अभी यहाँ पे मैंने ये जो मेरे a और b c के वैल्यूज है वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया है। a आया हमारा 1/6, b आया 1/3 और c आया -1/2। अभी क्या करना है, अभी ये मैंने सिर्फ अंदर भेजा है तो 2/6 = 3 हो गया, ये वैसे का वैसा रहा है, और 2/2 = 1 हो गया। सो हर एक टर्म में e-s, e-s आ गया है। अभी इसका इनवर्स लैपलास लेना है। पहले मैंने कोएफिशिएंट है 1/3 वो वैसे का वैसे लिखा। ओके और यहाँ पे अभी माइनस एस है तो ऑब्वियसली वो फंक्शन क्या होगा, डिलेड बाय 1 यूनिट। सो यहाँ पे मैंने यू ऑफ टी -1 लिखा। ओके अभी यहाँ पे मैंने कॉन्स्टेंट है वो वैसे का वैसा लिखा। अभी यहाँ पे नीचे s+3 है, हमने अभी देखा था कि s+3 ये किसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म है, e-at का। तो अगर आप ऐसे समझो कि e-3t का जो लैपलेस है वो है 1/s+3, बट यहाँ पे e-s भी है मतलब वो फंक्शन डिलेड है, इसलिए यहाँ पे t के जगह t-1 आएगा, और जैसे यहाँ पे u ऑफ t-1 आया था वैसे यहाँ पे u ऑफ t-1 आएगा। अभी यहाँ पे भी s+2 है तो s+2 का इनवर्स लैपलेस क्या होगा, e-2t, बट यहाँ पे माइनस एस है तो ये भी डिलेड हो जाएगा, यहाँ पे टी के जगह t-1 आएगा। ये सिंपल है समझने के लिए, सिर्फ आपको लैपलास और इनवर्स लैपलास के जो प्रॉपर्टीज है उसको पहले समझ के लेना पड़ेगा और फिर ये टाइप्स के सम को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ ये पूरी प्लेलिस्ट शेयर करो और उनको भी एग्जाम में स्कोर करने के लिए हेल्प करो। थैंक यू।